नमस्कार, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन महत्वपूर्ण प्रश्न सेशन दो। इसमें 5 प्रश्न पहले कर चुके थे, तो अपने क्वेश्चन नंबर 6 है कि कांच और जल में कौन सघन माध्यम होगा। तो कांच और जल में सघन माध्यम कौन होगा, तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा कांच, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण का झुकाव होता है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो है क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि अभिलंब से दूर हट जाएगा प्रकाश की किरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण किधर झुकता है। तो यहाँ पर जो है कि प्रवेश होगा, ये पूरा लिखा गया नहीं है, प्रवेश, ये प्रवेश है। तो किरण का झुकाव किधर होगा, तो इसमें किरण का झुकाव देखो, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, लेकिन यदि ये जो है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसमें हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है कि अपने इसमें उत्तर सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकता है। इसके बाद जो है कि ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, इसमें जो है कि अपना ऑप्शन हो जाएगा 1.33, ऑप्शन नंबर 2, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, और 1.44 किसका होगा, केरोसिन का, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा केरोसिन का। इसके बाद 1.50 होगा, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजीन का। ये चारों याद रखना, किसका अपवर्तनांक कितना होता है, ये हो जाएगा बेंजीन का। और जो 1.71 जो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये किसका हो जाएगा, ये रूबी का। तो ये अपवर्तनांक है, पानी का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन का 1.44, बेंजीन का 1.50, जबकि रूबी का 1.71 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा। तो हीरे का अपवर्तनांक आप सभी जानते हैं कितना होगा, 2.42, हीरे का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2.42। बाकी ये पहले वाले अभी आपको बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होगा। तो देखो, पानी में रखी बाल्टी में छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, इसका कारण क्या होगा। तो इसमें अपना जो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर, वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी, या फिर कोई मछली जो है कि पानी पे निशान लगाएं तो मछली के ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जो है उत्तर हमेशा क्या जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों। तो अभी आपको बताया था कि सभी का कारण एक ही होगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो भी क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन ही इसका उत्तर होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस हम सभी जानते हैं, इस तरह के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे तो देखो किन, ये जो है कि उत्तल लेंस जो है कि बीच में मोटा है, यहाँ पर देखिए कितना मोटा है, और किनारों पर जो पतला है, यहाँ से बिल्कुल पतला होगा और बीच में मोटा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा
बीच में मोटा और किनारों पर कैसा होगा, पतला होगा। जबकि अवतल लेंस के लिए पूछे अवतल लेंस कैसा होगा, ये अवतल लेंस होगा जो बीच में तो कैसा होगा, पतला होगा, जबकि किनारों पर कैसा होगा, मोटा होगा। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, तो ये अभी आपको सबके बताए थे, तो किसका होगा, वायु का सबसे कम होगा। हीरा का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 2.42 होगा हीरे का अपवर्तनांक। जबकि जल का अपवर्तनांक कितना होगा, अभी हमने देखा था 1.33 जल का अपवर्तनांक होगा। केरोसिन का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 1. इसका हो जाएगा 4.4। और वायु का जो होगा वो कितना होगा, वायु का होगा 1.0003। तो ये सभी आपको याद रखना किसका अपवर्तनांक कितना कितना होगा। इसमें देखिए कि सबसे कम पूछा है, सबसे कम किसका है, वायु का है, कितना है, 1.0003। और इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, माध्यम एक निर्वात और वायु है तथा माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। तो ये इसे कह रहा है कि दो माध्यम है, पहला वाला माध्यम को यदि हम निर्वात मान लें तो दूसरा वाला जो माध्यम होगा उसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक देखा जाए तो वो क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा 3 अपवर्तनांक। तो ये जो है कि सॉरी, इसका ये हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका ऑप्शन नंबर 3 नहीं 4 हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। यानी कि पहले वाला माध्यम को हम निर्वात वायु मान लेंगे तो दूसरा वाला जो माध्यम होगा वो सघन होगा, तो इसके सापेक्ष जो पहले वाले माध्यम को माना जाएगा, इसे दो माध्यम है, ये निर्वात है और ये वाला सघन हो जाएगा। तो इसकी तुलना में इस माध्यम को, जो माध्यम एक है, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो, इसको क्या माना जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक माना जाएगा। तो ये अपने सेशन दूसरा था, तो आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा मेरी ये उम्मीद है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।